नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूँ आपके साथ मनुराज सक्सेना। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा। अपने दर्शकों को बता दें कि पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव समेत कई पूर्व विधायक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी नेताओं का बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। कुल 32 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सभी नेताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। नागौर के परंपरागत कांग्रेसी और दिग्गज जाट परिवार से मिर्धा पिता पुत्र के भाजपा ज्वाइन करने के बाद जहां पश्चिमी राजस्थान की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो वहीं जयपुर में लालचंद कटारिया का आना भी कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। इसके अलावा बेनीवाल परिवार से आलोक बेनीवाल का आना और शेखावाटी से सेवा दल के मुख्य संगठक रहे सुरेश चौधरी का बीजेपी में शामिल होना भी जाहिर करता है कि भाजपा ने जाट राजनीति को लेकर अपना नजरिया बदला है। तो माना यह जा रहा है कि बड़े सियासी समीकरण बदलेंगे। आज जो महत्वपूर्ण दिन हुआ है और एक बड़ा सियासी भूचाल यहां पर कांग्रेस के लिए है, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज 32 नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक बड़े इवेंट यहां पर कराया गया, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर जब मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, सीपी जोशी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बीजेपी के हो गए कांग्रेस के 32 नेता। और मनु, देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से मिर्धा परिवार का वर्चस्व काफी ज्यादा माना जाता है और ज्योति मिर्धा पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी थी, उनको तो प्रत्याशी भी बीजेपी की तरफ से बना दिया गया है आम चुनाव को देखते हुए, तो अब कार्यकर्ता जिम्मेदारी संभाले, जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उस पर काम करूंगा। अभी क्या लगता है जिस हिसाब से जो टिकट वितरण हुआ है, क्या स्थिति है कांग्रेस की और भाजपा की? टिकट वितरण में बहुत ये बात है तो 25-25 सीटें जीतेगी, चिंता करने कोई बात नहीं। कांग्रेस ने अभी अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं की, आप लोगों के जाने के बाद में निराशा होगी वहां के खेमे में? वो कहीं भी मुश्किल से कर पाएंगी। अभी जो सीटें उन्होंने डिक्लेयर की हैं वो निश्चित रूप से वो सीटें हैं जहां कांग्रेस की थोड़ी मजबूती है, केरल है, छत्तीसगढ़ वहां, या तो उनको उनका हिसाब नहीं बैठ रहा है किसको डिक्लेयर करें किसको नहीं करें, इसलिए वो चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं कांग्रेस। अभी आपके समाज की तरफ से अब आपको लगता है भाजपा में नुमाइंदगी मिलेगी, जो महत्व था जो आप चाह रहे थे हुआ है, मंत्री बना रखा है मेघवाल जी को, क्या डिप्टी सीएम दे दी हमको, और क्या चाहिए अपने आप कि जो दलित से वोटर्स हैं उनको लेकर के इन्होंने बड़ी बात कही है, कांग्रेस में कई आरोप लगाए हैं। अब जो खिलाड़ियों की ज्वाइनिंग जो तो तमाम नेताओं के रिएक्शन सामने आते जा रहे हैं, जैसे जैसे बताते चलें कि सियासी गलियारों में सुगबुगाहट हो रही है कि 32 नेताओं ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थाम लिया है और उनके साथ कार्यकर्ता भी बीजेपी के साथ शामिल हो चुके हैं जो कभी इन 32 नेताओं के लिए धरातल पर उतर कर चुनावी प्रचार करते थे। ऐसी पार्टी को हम ठुकराते हैं और हम सनातन की जयकार करने वाली पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत, अमृत भारत से विकसित भारत की ओर जो सपना को हकीकत करने की ताकत वो रखते हैं जो देश को अपना परिवार मानते हैं। वो पार्टी जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक पूरे देश के अंदर राज करती थी, लोग उस पर विश्वास करते थे, विश्वास के नाते लगातार बार बार चुनते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ धोखा देने का काम किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद आवश्यकता हुई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कि देश में ये कोई सच्चा राजनीतिक दल होना चाहिए, सच्चा उन मायने को समझने वाला होना चाहिए जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आजादी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनके विचार के लिए, उनके उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक दल में कोई ना कोई राजनीतिक दल हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं 21 अक्टूबर 1951 को कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। यह कहानी आज से नहीं, यह कहानी वहां से प्रारंभ हुई 21 अक्टूबर 1951 से। 2014 से पहले इस देश में कितने बड़े घोटाले होते थे,
इस देश के अंदर क्या क्या नहीं होता था। अगर 2014 से पहले कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर अखबार पढ़ने लग जाता था तो उसके आंखों के आंसुओं से वो अखबार गीला हो जाता था। आए दिन हजारों करोड़ रुपए के घोटाला होते थे, आए दिन हजारों करोड़ रुपए के कोई ना कोई नया घोटाला होता था, आए दिन कहीं ना कहीं आतंकी गोलियों से हमारे देश के सेना आघात होती थी, आए दिन किसी देश में आतंकी हमला करके चले जाते थे, देश की स्थिति हो गई थी, लोग सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर इस देश का क्या होगा, आखिर उस आजादी का मायना क्या है, लोग सोचने को मजबूर हो गए। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देश में नहीं, इस भारत का दुनिया में डंका बजते हुए भी आप देख रहे हैं। पार्टी में एक सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से लोगों को ये अपना मानकर आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे जो कांग्रेस ने पपोदी सब्जी और वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे पहले वाले, अभी इससे पहले, वो तो समझते थे कि क्या नाम है, ये हमारे गुलाम लोग हैं, इनको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझे ना। तो ऐसे लोगों को क्या नाम है, जो आज स्थिति यह है कि हमारी जनता में जिस तरह की भावना है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हम 25 के 25 सीटें जीत के आएंगे, ये मेरा दावा है, विश्वास है। साथियों, बहुत दिनों से अंतरात्मा को चोट रही थी और अंतरात्मा की आवाज पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में जो चुनाव है, उस चुनाव में पूरी तत्परता के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आगे बढ़ेंगे। मैं एक ही चीज कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी, और इनकी विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो 400 सीटों की बात चल रही है, 400 से ऊपर पार जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। मैं आज थोड़ी बात कहूं, कासा दिनों कांग्रेस के मायने टूंपो लगे हो और टूंपो ही बात को लगे हो कि भाई जका 50 साल कांग्रेस में काम करे, जका समाज में आवा भी समाज ने आ कांग्रेस की नहीं दियो अलावा धत्ता के। कांग्रेस कहीं दियो भाई, थे ही बता दियो, रखी दियो गई अपन ने, अबे कांग्रेस की धुनी बुझगी। चलिए पहले भी अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानकारी दे रहे। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ के दौरे पर रहे और इस दौरान मिशन पूर्वांचल का आगाज उन्होंने किया। पीएम मोदी ने आजमगढ़ के मंदूरी एयरपोर्ट समेत यूपी के 5 शहरों में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसमें अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट का हवाई अड्डा शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां पर सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थीं, हम विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब बात आम चुनाव की। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर भाजपा के लिए निर्दलीय विधायक चुनौती बन सकते हैं। बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करने के बावजूद दोनों निर्दलीय विधायकों को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर निर्दलीय दावेदारी बता रहे हैं। साथ ही विधायक खुद 11 मार्च से देवदर्शन यात्रा की शुरुआत जैसलमेर से कर रहे हैं और इधर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने देवदर्शन यात्रा शुरू कर दी, लेकिन यहां बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी दूरी बनाए हुए हैं। अब जो देवदर्शन यात्रा है, ये मीना देवता रो दोग तो लगा हूं, साथ ही साथ महाराज तो अपना लोग है, वहां गुड जहां राय मशवरा कर हम और जहां जनता रो जहां आदेश रहे वो आगे कर। मिना राजस्थान विधानसभा रो सदस्य बनाए तो वो बनाने वाली हमारी जनता है और करने वाली भी सारी जनता है। एक टाइम तक वो सिर्फ आधिकारिक रूप में मीना दूधोड़ा परिवार रो हिस्सो तो, पर हमें मारो परिवार है सब,
और यहाँ सब परिवार सदस्य जहाँ आदेश रहे वो आगे कदम उठा। और अब आपको रामगढ़ झील की तस्वीर दिखाते हैं। रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसी कड़ी में आज से अभियान स्ट्राइव टू रिवाइव रामगढ़ झील की शुरुआत हो चुकी है। और इस मौके पर पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कैंपेन की शुरुआत कर हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के प्रयास न केवल सराहनीय है बल्कि जयपुर की भविष्य की पानी की जरूरत के लिए भी जरूरी है। इसकी पहल शहर के नागरिकों के लिए एक समूह द्वारा की गई। रोइंग जो कंपटीशन था वो यहाँ पर था 1982 में और आज इसकी हालत ये है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कभी कोई झील भी हुआ करती, लेकिन बिल्कुल प्रयास जारी है। और आज आपने देखा कि एक रैली के रूप में सब लोग जुड़ रहे हैं इस अभियान से और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये काम भी होगा, जल्दी होगा। और क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है तो समय लगता है इन चीज़ों में, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये काम हो। ये बहुत जरूरी है, लाइफलाइन है ये जयपुर की। चलिए बांसवाड़ा का रुख करते हैं जहां तलवाड़ा इलाके में एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में दो व्यक्तियों की जान चली गई जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राहगीरों ने फोन किया कि तलवाड़ा के पास एक कार बेकाबू होकर पलट गई जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर एम्बुलेंस लेकर पहुंची जिसके बाद तीनों को इलाज के लिए एमजी अस्पताल लेकर जाया गया जहां पर दो व्यक्तियों के इलाज के दौरान जान चली गई। ये तलवाड़ा अपने जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर ये कार क्या पलटी खा गई थी जिसमें तीन जने सवार थे। उसमें दो जने तो एक का नाम है राहुल सिंह और दूसरे का नाम है दीपक सिंह शेट्टी और तीसरा है भंवर सिंह। तीनों थे, उसमें से दो तो ज़्यादा सीरियस थे और यहाँ और तीनों को यहाँ एनजीओ हॉस्पिटल लाया गया जिसमें से दीपक सिंह और राहुल उन दोनों की यहाँ लाने के बाद उनकी मौत हो चुकी थी और तीसरा है भंवर सिंह उसकी भी घायल है। और चलिए इस खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।